तो पॉलिटिकल पार्टीज आपकी लड़ाई अभी लड़ने के मोड में नहीं है। लोकशाही में जो सबसे बड़ा अधिकार था वो था वोट देने का अधिकार, आरक्षण भी नहीं था, क्योंकि वोट देने का अधिकार ही आपको प्रजा से नागरिक बनाता है। और जब नागरिक हम बात कहते हैं तो उसके साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो सिर्फ वोट नहीं होता है, फंडामेंटल राइट्स। तो जब आपकी जमात में, जब देश की बहुसंख्यक जनता में ये चेतना आई है कि हम वोट से अपनी सरकार बना सकते हैं, उसी समय से आप देखेंगे 90 के बाद ये पूरा लीला शुरू हो रहा है। जिस समय पूंजी का खेल हो रहा है, जिस समय राम मंदिर का आंदोलन चल रहा है, उसी समय ईवीएम के इर्द गिर्द भी वो पूरा माहौल बनता नजर आ रहा है। तो पूरे त्रिकोण को, इस बात को समझना है कैसे इसको देखिए। दो संगठन बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, अभी कई साथी बात कर रहे थे, हजारों हजार संगठन है, हमारे लोग ने एक काम बखूबी किया है, संगठन बनाना सीख लिए हैं, इसलिए उनको बधाई। शिक्षित अभी कहां तक हुए हैं हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही पढ़ाते हैं और अभी पढ़ने के क्रम में हैं, तो मैं दावा नहीं कर सकता मैं खुद ही शिक्षित हो गया हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की। तो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बनना मेरी नजर में शिक्षित होना नहीं है, शिक्षा के मायने कुछ और है। तो कम से कम हम संगठन बनाना सीख लिए हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं समझता हूं व्यक्तिगत रूप से कि सिर्फ संगठन बनाने में ताकत नहीं, संगठित होने में ताकत है। आप संगठन बना के बैठे रहिए, कुछ होने जाने का नहीं है जब तक आप संगठित नहीं। एक अभी बात कर रहे थे साथी कि भाई हम संगठित क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इसका सिंपल जवाब मैं देना चाहता हूं कि संगठित हो लेकिन सब मेरे पीछे, संगठित हो लेकिन सब मेरे पीछे। भाई साहब, जिस दिन हम ये मान लिए कि संगठित हो, मेरे कंधे पे पांव रखो, उस दिन आप संगठित हो जाएंगे। पूरे देश भर में घूमते हैं और ये बात देखते हैं कि सब लोग, अमूमन 90% लोगों के पास मेरा अनुभव है कि हमारे पीछे संगठित हो जाओ। हड़बड़ी बहुत ज्यादा है, ये बहुजन मुक्ति की लड़ाई 2500 वर्ष से चल रहा है, अभी कितना वर्ष चलेगा हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम पिछले दो बड़े आंदोलन के हम लोग गवाह रहे हैं, साक्षी रहे हैं। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अभी चुनावी राजनीति छोड़ दीजिए, एक सॉल्यूशन आपके बीच रख रहा हूं और इसके साथ बात खत्म कर रहा हूं कि ये दुनिया जो है ये मोनोकॉजल होगी। मोनोकॉजल मतलब एक ही कारण, एक ही मुद्दे के आसपास पूरा आंदोलन धीरे धीरे गर्म होगा। अब ठाकुर इतिहास थोड़ा एग्जाम्पल दे देता हूं, बीजेपी के लिए एक ही मुद्दा था राम मंदिर, आम आदमी पार्टी के लिए एक ही मुद्दा था बिजली पानी, और एक ही मुद्दे के इर्द गिर्द सारा माहौल घूमता रहता है। हमारे लोग क्या करते हैं ना, पूरे दुनिया के हर समस्या का समाधान एक ही दिन में निकालना चाहते हैं। सॉरी बॉस, ये संभव नहीं है, ऐसे होता भी नहीं है। एक मुद्दा उठाइए, एक मुद्दा उठाइए और लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा नहीं, लोहे को इतना पीटो कि लोहा गर्म हो जाए, उसको गर्म। तो दो अनुभव हमारे सामने है, 2 अप्रैल और 5 मार्च। 5 मार्च में थोड़ी सी ज्यादा भूमिका हम लोगों की थी, क्योंकि वो रोस्टर का मसला था और विश्वविद्यालय उबल रहा था, तो जो जिम्मेदारी हमें निभानी थी एज ए सोशल एक्टिविस्ट, हमने वो जिम्मेदारी निभाई। और आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि दोनों मुद्दे पे कम से कम आपकी अभी जीत हुई है, लेकिन मैं उसके आंशिक जीत मानता हूं, जब तक वो जमीन पे ना उतर जाए, जब तक धरातल पे वो लागू ना हो जाए, वो आंशिक जीत ही मानता हूं। और ये जीत आपको ऐसे नहीं मिलेगी, रोज आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कानून लागू नहीं होता है, लागू करवाना पड़ता है, परिवर्तन होता नहीं है, परिवर्तन लाना पड़ता है। तो संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, भानु प्रताप जी वकील है, सब बताते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, कहां हो रहा है। 70 साल बाद भी कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ भेदभाव और अत्याचार अभी पदस्थूर जारी है। अभी मुसलमान को तो बेचारे को साइड में छोड़ दीजिए, अभी तो उनको पूछने वाला नहीं है, मुसलमान तो खाली वोट बैंक बन के रहा हुआ है। कुछ पार्टियां समझती है कि जाओ कहां वोट तो हमें भी। साथियों, मैं एक सिर्फ आपके साथ बात रखना चाहता हूं अंतिम में, छोड़िए चुनावी राजनीति, छोड़िए जो अनुभव मैंने किया है 5 मार्च वाले आंदोलन, 15 दिन वक्त लगे थे, उसकी तैयारी 3 महीने से चल रही है। और हम लोग ये कन्विंस कर चुके थे, बहुत सारे एमपीज को नहीं पता था, मिनिस्टर को नहीं पता था कि रोस्टर होता क्या है आखिर का।
तो हम लोगों ने तैयारी की थी कि जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, भानु प्रताप जी से मेरी बात हुई थी और इनका पूरा समर्थन था उसके बंद में, कि जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसको पहले जितना मैक्सिमम हो सके उसको पहले कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि रोस्टर का मसला बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है और इसके लिए भारत बंद करने की जरूरत है। ये पहला काम। दूसरा काम ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम हम लोग की जहां तक पहुंच है हिंदी बेल्ट में, कम से कम ये पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया जाए कि अगर इस मुद्दा को आप नहीं उठाएंगे तो आपके साथ जो है बहुत ही भविष्य, आपका पॉलिटिकल भविष्य ठीक नहीं होने वाला है। दो मुद्दा पे हम लोगों ने काफी लोगों को कन्विंस कर लिया था, इसलिए किसी का झंडा नहीं, किसी का कुछ नहीं। हम लोगों ने कहा था कि सब लोग अपने अपने बैनर लगाओ, ये नहीं कि ये संविधान बचाओ संघर्ष समिति कह रहा है, चाहे सूरज मंडल कह रहे हैं, चाहे यादव जी कह रहे हैं, चाहे रतन लाल कह रहा है, इसलिए करना है नहीं। इसको बनाओ मास मूवमेंट, सब लोग अपने अपने झंडा लगाओ, अपने अपने डंडा, अपने बैनर, अपने पोस्टर सोशल मीडिया पार्टो और अपने अपने शहर में अपने बैनर पे आंदोलन करो। रिजल्ट आपके सामने है। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि हमें एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे काम करना है। दो लेवल पे हमें कन्विंस करना है, एक तो जनता को कन्विंस करना है, सिर्फ दलित और आदिवासी या पिछड़ा नहीं, जनता को कन्विंस करना है कि आपकी वोट लूटी जा रही है। तो लूटी जा रही है इसलिए किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, सब परेशान है। इसलिए मैं प्रपोज करता हूं कि वोट बचाओ संघर्ष समिति अखिल भारतीय स्तर पे बनाया जाए, वोट बचाओ संघर्ष समिति। और अभी साल दो साल हम लोग जितने सामाजिक संगठन है, कम से कम उत्तर भारत महाराष्ट्र से इधर तो हम लोग बहुत लोग को जानते हैं, उनको कन्विंस किया जाए कि वोट बचाओ संघर्ष समिति, अपने अपने बैनर बचाओ और मास मोबिलाइजेशन करो। और इसके बाद अगली तैयारी हमारी ताल कटोरा की होनी चाहिए, उसके बाद आप लंबा समय लीजिए, एक साल के लिए रोस्टर में तो लग रहा था कि नौकरी चली जाएगी, लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि इसमें मेरा क्या नुकसान होगा, लेकिन उसका जान ही उसमें आफत में। तो लोगों को हमको कन्विंस करना है स्टेज वाइज, सब हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, इसको सोशल मीडिया पे धीरे धीरे बना माहौल बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी से बात करते हैं, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं, चेहरा हटा ये संगठन हटे, कोई जरूरत नहीं कि रतन लाल का चेहरा आए या नहीं, मेरे लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग काम कहता है करता है वो आदमी मर जाता है, समाज उसको अपने याद कर लेता है, ये बात याद करना। कोई चेहरा और संगठन हटाइए, दो साल में लोकसभा की तैयारी पूरी होनी। हम ये मान के चलते हैं कि लोकसभा के पहले इस मुद्दे पे दो बार भारत बंद होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन और लगातार जिस दिन समाज आगे आएगा सड़क पे, उस दिन आप मेरे दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे कई पॉलिटिकल पार्टीज में दोस्त है परेशान है, मैं जानता हूँ कि अंदर वो क्या चल रहा है, लेकिन डर के मारे नहीं बोल रहे हैं। जिस दिन समाज आगे आ जाएगा सड़क पे, उस दिन आपके साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी आएंगी। और इलेक्शन कमीशन क्या पार्लियामेंट से ज्यादा बड़ा है? क्या कानून कहाँ बनता है? कानून पार्लियामेंट में बनता है, संसद में बनता है, इलेक्शन कमीशन में नहीं बनता है, इलेक्शन कमीशन में एग्जीक्यूट होता है। तो ये बात समझने की है, पॉलिटिकल क्लास को हमको मोबिलाइज करना है। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जब तक हम लोग मिट्टी में मिलने की हौसला न रखें, जब तक ये मान के न लड़े कि मेरे कंधे पे आओ, चढ़ो और बास्केट में बास्केट डालो उसको बॉल, तब तक ये बात ये बनेगी नहीं। तो इसी के साथ अपनी मैं बात खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वोट बचाओ संघर्ष समिति का एक अखिल भारतीय अम्ब्रेला बने और सब लोग स्वार्थ रहित, लोग कहते हैं हमारे लोग, मैं अंतिम बात कह दे रहा हूँ, टिकट के लिए बहुत मारा मैं एमएलए एमपी बनने के लिए, मैं कहता हूँ एमएलए एमपी बनने के लिए क्यों परेशान, महान आदमी बनने के लिए तैयारी करो। कि एमएलए एमपी मिनिस्टर कितने आते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोई याद नहीं करता। महान आदमी बनोगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे ऊपर शोध होगा, समाज याद रखेगा, जैसे साहू जी महाराज, फुले साहब और बाबा साहब, कांशीराम जी, कर्पूरी ठाकुर, मंडल साहब को लोग याद करते हैं। शुक्रिया साथियों, जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।